हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और अब हम अपना नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है पैटर्न नंबर 9। ओके, तो हमको क्या दिया होगा, हमको कोई एन की वैल्यू दी गई होगी, हम उसके लिए हमको ये क्रॉस प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पैटर्न को लेके चलता हूँ ओपन बोर्ड में, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि हम इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरी 7th वीडियो देखी होगी पैटर्न की, तो हमने उस वीडियो में क्या किया था, हमने इस तरीके का डायगोनल प्रिंट किया था। और अगर आपने 8th वीडियो देखी होगी, तो उसमें क्या किया था, हमने इस तरीके का पैटर्न किया था, डायगोनल, इस तरीके का डायगोनल प्रिंट किया था। तो 7th पैटर्न में ये किया था, 8th पैटर्न में ये किया था, और 9th पैटर्न ये है। और ये क्या है, ये उन दोनों पैटर्न का क्या है, मिक्सचर है। तो हमको क्या करना है, हम इन दोनों पैटर्न को मिक्स करना है। तो अगर आपने मेरी ये 7th पैटर्न और 8th पैटर्न की वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो देख कर आओ, इसके बाद आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा इस पैटर्न में। ओके, तो अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, तो हम इस डायगोनल की पहचान क्या होती थी, इस डायगोनल की पहचान होती थी जहां पे आई इक्वल टू जे रहता था। जब ये दोनों इक्वल रहते थे, तब क्या होता था, हमारा ये वाला डायगोनल प्रिंट हो जाता था। और अगर आई प्लस जे इक्वल टू एन माइनस वन रहता था, तो हमारा ये वाला पैटर्न, ये वाला डायगोनल प्रिंट हो जाता था। बट हमको इसमें क्या करना है, हमको इन दोनों को मिक्स करना है। तो अगर ये वाला और ये वाला कोई सा भी करेक्ट है, तो हमको उस केस में क्या करना है, स्टार्स प्रिंट करने हैं। एल्स क्या करना है हमको, हमको स्पेसेस प्रिंट करने। तो पहले हम सेम वैसा ही करेंगे कि पहले हम एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करेंगे। ठीक है, एक पैटर्न प्रिंट करेंगे स्क्वायर वाला, ठीक है, जिसमें स्क्वायर्स में स्टार्स होंगे। फिर उसके बाद हमको इस कोड को चेंज करेंगे, अपने स्टार्स में कंडीशंस लगाएंगे कि हमको कहाँ कहाँ पर हमको स्टार्स प्रिंट करना है, कहाँ कहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करना है। तो चलो, ये कोड तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये वाला कोड करते हैं पहले। तो फॉर आई इन रेंज, ये तो ये हमने लगाया रो के लिए एन, और दूसरा फॉर लूप लगाया कॉलम के लिए एन। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम प्रिंट कर रहे हैं स्टार। तो हर पोजीशन पे हमको स्टार प्रिंट करना है, एंड और हमको, हम क्या लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं ब्लैंक, दैट मींस कि लाइन चेंज ना हो। तो जैसे ही हमारा पूरा कॉलम फिल हो जाएगा, फिर क्या कर रहे हैं हम, उस केस में हम ब्लैंक प्रिंट लगा दे रहे हैं, जिससे हमारी लाइन चेंज हो जाए। जैसे ही एक रो फिल हो जाए, फिर लाइन चेंज हो जाए। चलो उसको रन करके देखते हैं, और देखते हैं कि स्क्वायर प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक एरर आया, तो फॉर यहाँ पे हमने दूसरा वेरिएबल नहीं दिया जे। ठीक है, तो अब करते हैं इसको रन, और हमारा स्क्वायर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हमको हर केस में तो स्क्वायर प्रिंट कराना नहीं है। तो हमने उसकी कंडीशन देखी थी कि जहां पे हमारी ये दोनों कंडीशन होल्स, अगर हमारी कोई भी कंडीशन में से ट्रू है, तब हमको क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। मतलब मान लो ये वाली कंडीशन ट्रू है, या ये वाली कंडीशन ट्रू है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू है ना, तो उस केस में हमको क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है, वरना क्या करना है, स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो चलो हम बस स्टार में कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई इक्वल टू जे, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या थी, आई प्लस जे इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन है। तो इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, तो हमको क्या करना है, स्टार्स प्रिंट करना है। ओके, तो इससे स्टार प्रिंट करना है, वरना क्या करना, अगर इनमें से कंडीशन फॉल्स है, तो हमको सिंपली स्पेसेस प्रिंट कर देने हैं। तो एक टैब प्रिंट कर देंगे, और एंड ब्लैंक लगा देंगे, जिससे क्या होगा, लाइन चेंज नहीं होगी। और जैसे ही एक रो हमारी फिल हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लगा देंगे, जिससे हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स रन इट, रन करके देखते हैं और हमारा एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। तो इसमें एक एरर आया, तो मैंने मिस कर दिया एक। ओके, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये एक्सेप्ट हो गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सारे टेस्ट केसेस के लिए देखता हूँ कि सारे टेस्ट केसेस के लिए चल रहा है कि नहीं। तो थोड़ा वेट करते हैं इसको।
और चेक करते हैं। काफी टाइम ले रहा है, थोड़ा सा और वेट करते हैं हम। और हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।